नमस्कार, वेब दुनिया न्यूज में आपका स्वागत है और नजर डालते हैं आज की प्रमुख खबरों पर। केजरीवाल के खिलाफ मानहानि का केस दायर करेंगे जेटली। केंद्रीय वित्त मंत्री अरुण जेटली ने अपने खिलाफ झूठा और अपमानजनक बयान देने को लेकर दिल्ली के मुख्यमंत्री केजरीवाल पर पलटवार करते हुए उन पर और पांच अन्य आप नेताओं के खिलाफ दिल्ली की अदालतों में मानहानि का आपराधिक और दीवानी मुकदमा दायर करने का फैसला किया। वहीं आपने कहा कि वे लोग धमकाने वाली ऐसी तरकीबों से नहीं डरेंगे। आप पार्टी के नेता संजय सिंह ने कहा कि वे भी जेटली के खिलाफ केस दायर करेंगे। इसी बीच दिल्ली जिला क्रिकेट एसोसिएशन में हुए भ्रष्टाचार के आरोपों से घिरे जेटली को टेस्ट टीम के कप्तान विराट कोहली का समर्थन मिला है। इससे पूर्व वीरेंद्र सहवाग, गौतम गंभीर और ईशान शर्मा भी जेटली को क्लीन शीट दे चुके हैं। राम मंदिर निर्माण के लिए शिलाएं लाने का काम शुरू। अयोध्या में करीब 8 साल बाद राम मंदिर निर्माण के लिए पत्थर आने का काम अचानक फिर से शुरू हो गया। इन शिलाओं को पूजने के बाद राम सेवक पुरम में रखा जा रहा है और यहीं से इन्हें निर्माण स्थल पर भेजा जाएगा। राम जन्मभूमि न्यास के अध्यक्ष गोपाल दास ने कहा कि मंदिर निर्माण की पूरी तैयारी कर ली गई है, केवल पत्थर से ही मंदिर का निर्माण होना है। वही दूसरी ओर बाबरी मस्जिद केस के पक्षकार हाशिम अंसारी का कहना है कि मामला सुप्रीम कोर्ट में है, जो फैसला होगा वो उसे मानेंगे। उन्होंने सरकार से शिला पूजन रोकने की अपील की है। मिस स्पेन रोयो ने जीता मिस वर्ल्ड का खिताब। मिस स्पेन मीरिया लालागुना रोयो ने इस वर्ष के मिस वर्ल्ड का ताज अपने नाम कर लिया। पिछले वर्ष के विजेता दक्षिण अफ्रीका के रोलेन स्ट्रॉस ने उन्हें मिस वर्ल्ड का ताज पहनाया। चीन के सानिया में ब्यूटी क्राउन ग्रैंड ट्री होटल में 3 घंटे तक चली मिस वर्ल्ड प्रतियोगिता में मिस रूस सोफिया दूसरे और मिस इंडोनेशिया मारिया तीसरे नंबर पर रही। बार्सिलोना की रहने वाली रोयो इस समय न्यूट्रिशन में उद्योग स्थापित करने के उद्देश्य से फार्मेसी की पढ़ाई कर रही है।